हमने मरियम नवाज को धक्के खा खा के वोट दिए, पूरी पूरी दिहाड़ी तोड़ी, पेट्रोल के पैसे अपने फांसे दिए, हमारे को क्या फ़ायदा मरियम नवाज को वोट देने का। आपकी मेहरबानी है, मेरा जो उनसे इंटरव्यू ना उसको लाजमी दिखाना कि ये देखें आपके इलाके में क्या क्या काम हो रहे, कोई भी नहीं सुनता, सब मिले हुए हैं। अब उन्होंने पता क्या काम किया रात मेरे ऊपर, जॉनसन उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये कुंडिये लगाता मीटर काट के ले आए हैं। अच्छा, और मैं पापड़ भेजता हूँ गलियों में, गुलबर्ग मुझे सारा जानता है। गोल पापड़ नहीं है वो भेजता हूँ मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से 1.5 लाख का पेपर भी है देखो उन्होंने डाल दिया। मैंने कहा चलो 25,000 रुपये कर लो, 30 कर लो, ये जो उन सितारे लगवाते हैं वो क्यों नहीं पकड़ते हैं, जो उनसे 5,000 रुपया लेते हैं। वो सारा काम खालत करवाता है अफशा पार्क वाला, मैं उसको अब से नहीं जानता हूँ। खालत लटैर है, लैन मैन था पहले, वो इनके साथ मिला हुआ है, लाल कॉलोनी का था, अफशा पार्क है वो। अच्छा नहीं, इस ऑफिस का था नहीं, वो इधर था चलो मोड़ डिवीजन में, बिजली चलवाता है, डायरेक्ट बिजली चलवाता है। हाँ जी वो। अच्छा हाँ जी, और मुझे खतरा भी है, खतरा है। हाँ, बेफिक्र रहे हैं हम आपके साथ। हाँ जी, आप मेरे पास कॉल लाए, मैं ना तारे पकड़वाऊंगा, ये मूछे ना मनवा देना और मुझे फांसी पे चढ़ा देना, मारना तो है एक दिन। ये आरओ साहब का ऑफिस है और लाइनें यहाँ पर लगी हैं, बहुत अच्छी बात है अगर वो काम कर रहे हैं। माँ जी क्या क्या बेटे, एक मेरा बच्चा कमाना सरकार, एक फ्रिज है, दो पखे ने, इस तू अलावा कोई चीज़ नहीं है, एक बल्ब बल्द है। बिल सानू इन्होंने देखो जी कि कल दिता वे एक महीने का 40,621 रुपये। हमने मरियम नवाज को धक्के खा खा के वोट दिए, पूरी पूरी दिहाड़ी तोड़ी, पेट्रोल के पैसे अपने फांसे दिए, हमारे को क्या फ़ायदा मरियम नवाज को वोट देने का। आपकी मेहरबानी है, मेरा जो उनसे इंटरव्यू ना उसको लाजमी दिखाना। गोल पापड़ नहीं है वो भेजता हूँ मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से 1.5 लाख का पेपर भी है देखो उन्होंने डाल दिया। मैंने कहा चलो 25,000 रुपया कर लो, 30 कर लो। प्लस के पास गया, उन्हें कार्ड बनाया, मैंने बंसपुरे भेजा, बंसपुरे उन्हें कहा ये इतने आओ, इतने आया मैं 3 दिन हूँ जल्द दे गया, अज उन्हें कहा ही लै जाना, अज गया ताला लगा, फिर कहते कल आयो, हूँ दिहाड़ी आ मजदूर बंदा फिर ही करता हूँ गली गली, मैं कैसे रोज चक्कर लगाऊँ दिहाड़ी तोड़ के। 6 महीने से बिल नहीं भेज रहे, सिर्फ जानबूझ के कि इनके यूनिट्स बढ़ेंगे और हम इनको बिल भेजेंगे। बिल डाले ना जो बनता है, मैं तो खुद आया हूँ एक शहरी, 167 यूनिट मेरे कंज्यूम हुए हैं, जो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मुझे बिल बना के दें, ये करते हैं इस तरह के अगले मंथ ये मुझे ले जाएंगे, इन प्रोटेक्टिंग में बिल हो जाएगा ज़्यादा, ये गलत बात है। हमारा गाड़ी बांध है, मैं इस्लामाबाद काम करता हूँ, ये बिल की खातर मैंने उधर से छोड़ के अगले ने मुझे काम से निकाल दिया, तुम रोज जाते हो क्या करते हो। मुझे यहाँ पर बताएं, खुली कचहरी में आपने ये केस रखा है? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी बिल तारो, मैं कुछ नहीं कर सकता था। खुली कचहरी FIA लगाए, खुली कचहरी आला अदलिया लगाए, खुली कचहरी इलाका चेयरमैन लगाए, इलाका MPA MNA लगाए, जो न्यूट्रल आदमी है ये सारे इनके मतहत हैं, ये उनको कैसे पनिशमेंट करेंगे? वो बेवा हो रहा था, वो 40% कहाँ से जमा कराएगी? 40% में 93,300 रुपया कर दिया घर की, 93,300 में वो कहाँ से करवाएगी? 13,000 रुपया उसका बेटा सैलरी ले रहा है और रेंट पे मैं वैसे वो खुद लोगों के घरों के काम कर रही है, वो 93,000 रुपया कहाँ से जमा करवाएगी? मैं इस बहन को ये कहूँगा ये बिल पे ना करे, ये लेकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाए, उसको बोले ये मैं कहाँ से दूँ, मुझे बताओ क्या मैं खुदकशी करूँ, जहर खाऊँ, इज्जत बेचूँ, आप लिख कर दो मुझे मैं क्या करूँ। नैपरा के दफ्तर गए हैं जी, वो कहते सानू दरखास्त भी मसूल हुई मिले जी, तो 3 हफ्ते बाद तारा कुछ करा दे, उन्होंने जो मेरा मीटर कटिया जाना, मैं बीमार हाँ गुरदे का ऑपरेशन है, 3 दफ़ा हफ्ते से डायलिस करवा जाना मैं अपने गुरदे, तो मैं तो 3 दिन हस्पताल रहना, 3 दिन घर रहना, तो काम कौन करेगा? एक मेरा बच्चा है वो भी ब्याह का वेला, तो मैं तो भुखा मर जाता फिर। आज बिल्कुल आप देख सकते हैं कि खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें स्पेशली CO साहब, SC साहब और SDO साहब, XCN चालामार भी यहाँ पर जो है वो मसाइल को सुनते हैं, यहाँ पर जो आवाम मौजूद है उनके मसाइल भी सुनते हैं कि आया उनके मसाइल का हल भी हो रहा है। कैसे हैं जी? शुक्र अल्लाह का। क्या मसला है आपका? ये बिल का मसला हमारा, बिल नजायद मुझे भाई डा जा रहे हैं, मैं चक्कर लगा लगा के, मतलब घर का है, घर का है, घर का है। हाँ जी, घर पे कोई नहीं है, घर पे कोई चीज़ चेक कर सकते हैं आप जब मर्जी, कोई चीज़ नहीं हमारे घर पे, कोई 4 लाख बिल है ये। हाँ जी, क्या चलाया आप? चेक कर ले आप, उनको भेज दे, चेक करें, तसल्ली करें। हाँ जी, हमारे घर जाके चेक कर ले, 2 पंखों के सिवा कोई चीज़ होगी फिर बता। हमारा घर ही बंद है, मैं इस्लामाबाद काम करता हूँ।
ये बिल की खातर मैंने उधर से छोड़ के अगले ने मुझे काम से निकाल दिया। तुम रोज जाते हो क्या करते हो? सर मैं रहीम गार्डन शहर हाजिर हुआ हूँ, ये मेरी शिकायत है। ये देखें मेरी रीडिंग ये ज़ीरो लेके गए हैं, यानी कि मेरे 521 यूनिट पिछले माह के थे, ये मेरी रीडिंग ज़ीरो लेके गया, कोई बिल नहीं। ठीक है, ये मैं रीडिंग लेकर आया हूँ, मेरे 167 यूनिट चले हैं। अच्छा, मुझे बिल उन्होंने नहीं भेजा। अब मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है, मैं बिल ठीक करवाने के लिए आया हूँ। कितना बिल डाला? बिल डाले ना जो बनता है, मैं तो खुद आया हूँ एक शहरी, 167 यूनिट मेरे कंज्यूम हुए हैं जो, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मुझे बिल बना के दें। ये करते हैं इस तरह, अगले मंथ ये मुझे ले जाएंगे, इन प्रोटेक्टिंग में बिल हो जाएगा ज़्यादा, ये गलत बात है। खुली कचहरी का भी इनका हो रहा है, वहाँ पर आए हैं आप बात करें जी? सर जी मैंने ऑनलाइन कंप्लेन भी दर्ज की है। अच्छा, मैं तो चाहता ये हूँ कि मैं राइट पे हूँ, मैं कोई अल्लाह माफ़ करे गलत काम नहीं कर रहा। देखे ना मुझे बिल नहीं आया, जीरो आया, मैं हाजिर हूँ कि सर मुझे बिल क्यों नहीं डाला गया? क्या कहा गया आपको जब आपने बताया मुझे बिल नहीं आया? वो कह रहे जिले देखते हैं करते हैं, इस तरह तो नहीं ना होता। मैंने ऑनलाइन कल की कंप्लेन की, 22 को रीडिंग गई है और 24 तारीख को मैंने कल, 23 को बिल नहीं था चढ़ा नेट पे, कल चढ़ा, कल मैंने देखा मेरे का ज़ीरो है। मैं उसी टाइम मैंने ऑनलाइन कंप्लेन की है 118 पे, और अब मैं एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, मैं एक शहरी हूँ, मेरा राइट बनता है कि यार मुझे क्यों ज़ीरो बिल डाला गया, जीरो यूनिट डालेंगे मेरे 167। आप हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पर खुली कचहरियाँ लगाई जाती हैं, सीओ साहब भी होते हैं, एससी साहब भी होते हैं, एक्सीएन साहब भी होते हैं, उनके पास आए और बताएं उन्हें कि ये मसला सारा। मैं हाजिर हूँ, कोई मिलेगा तो मैं बताऊँगा कि मेरा मसला रिजोल्व करें। सर एसडीओ साहब को मैंने सुबह के 36 फोन किए हैं, फ़ोन नहीं पिक किया मेरे पास। आप यहाँ पर मौजूद सर ये देख लें, मैं रिकार्ड दिखा रहा हूँ, मेरे पास 36 कॉलें हैं, मैंने एक भी उन्होंने पिक नहीं की। आप ऑफिस में मौजूद हैं? ऑफिस में मौजूद हैं, खाना खा रहे हैं, बाहर बैठे वेट करें, इस तरह तो नहीं ना होता। क्या हो गया, क्या वजह बनी? भाई जान इधर मॉडल कंडे पे आते ना, हम कोई सुनाई नहीं होती है, क्या समझो हमने मरियम नवाज को धक्के खा खा के वोट दिए, पूरी पूरी दिहाड़ी तोड़ी, पेट्रोल के पैसे अपने फांसे दिए, हमारे को क्या फ़ायदा मरियम नवाज को वोट देने का? आपकी मेहरबानी है, मेरा जो उनसे इंटरव्यू ना उसको लाजमी दिखाना कि ये देखे आपके इलाके में क्या क्या काम हो रहे, कोई भी नहीं सुनता, सब मिले हुए हैं। अब उन्होंने पता क्या काम किया रात मेरे ऊपर, जॉनसन उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये कुंडिये लगाता मीटर काट के ले आए हैं। अच्छा, और मैं पापड़ भेजता हूँ गलियों में, गुलबर्ग मुझे सारा जानता है। गोल पापड़ नहीं है वो भेजता हूँ मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से 1.5 लाख का पेपर भी है देखो उन्होंने डाल दिया। मैंने कहा चलो आप 25,000 रुपया कर लो, 30 कर लो, ये जो सितारे लगवाते हैं वो क्यों नहीं पकड़ते हैं, जो उनसे 5,000 रुपया लेते हैं, वो सारा काम खालत करवाता है अफशा पार्क वाला, मैं उसको अब से नहीं जानता हूँ। खालत लटैर हैगा, लैन मैन था पहले, वो इनके साथ मिला हुआ है, लाल कॉलोनी का था, अफशा पार्क है वो। अच्छा, नहीं इस ऑफिस का था वो? नहीं वो इधर था, चलो मोड़ डिवीजन में बिजली चलवाता है, डायरेक्ट बिजली चलवाता है। हाँ जी वो। अच्छा, हाँ जी, और मुझे खतरा भी है, खतरा है। हाँ, बेफिक्र रहे हैं हम आपके साथ। हाँ जी, आप मेरे पास कॉल आए, मैं ना तारे पकड़वाऊंगा, ये मूछे ना मैं मनवा देना और मुझे फांसी पे चढ़ा देना, मारना तो है एक दिन। फसला आपका यहाँ पर आए तेना जी, बिल मैंने पाते इन्होंने 357,266 रुपया। मैं एसडीओ साहब को खुली कचहरी पेश हो पर एडे नहायत बेवकूफ बंदे ने 8 दिन तो मेरा लोड चेक करते पे, तो लोड ही नहीं चेक होता पे। तो क्या वजह बताई उन्होंने? कोई वजह नहीं बताते पे, कहते तो फेस दो डेड ने। हूँ देखो महकमा हर महीने लोड चेक करता पाया, यूनिट लिख के लाता पे, उन्होंने नहीं पता तो सानू की पता होगा कि डेड फेस डेड ने कि सही ने। तो बस एक कहते जी बिल तारो। कितना बिल है? बिल इस समय है जी 357,266 रुपया। कह रहे कहते ने तारो, कह रहे मैंने उन्होंने पाता ना जायज बिल को पाता है। बाकी 3 लाख बिल डाल दिया, 357,266 रुपया पाए ने जी। बाकी मौसम केस किया तो कहते जी असं 3 लाख तक सोने, तारी सुनाई इतनी नहीं होती, नैपरा के दफ्तर चल जाओ। नैपरा के दफ्तर गए जी, वह कहते सूँ दरखास्त नहीं मसूल हुई मिले जी, तो 3 हफ्ते बाद तारा कुछ करा दे। उन्हें चे तो मेरा मीटर कटिया जाना, मैं बीमार हाँ, गुरदे का परेशन हाँ, या 3 दफा हफ्ते से डायलिस करवा जाना मैं अपने गुरदे, तो मैं तो 3 दिन हस्पता रहना, 3 दिन घर रहना, तो काम कौन करेगा? एक मेरा बच्चा है वह भी ब्याह का वेला, तो मैं तो भुखा मर जाता फिर, तो मैं नहीं अफसर लगे, कोई अफसर नहीं इतना सुनता पे कि जाने इंज बिल मारता तारो जी इन्हों जी मैंने इन्होंने पैसे दिते ने कि मैं धारना है ला बिल, कोई बंदा सुन तो नहीं राजी। अब्दुल्ला शबीर एक वाहद अफसर है कि मैं कल जाके रिक्वेस्ट की कि मैं बीमार अपने कागज़ दिखाए ने उन्होंने,
कि मैंने गुड़ दे डैलस होंगे फिर तो मेरे कोई नेकी करो, उन्हें 35% बिल करो कि क्या है कि तुम कराओ जमा तो अगो असं वेखने। कितना था पहले रूटीन में कितना आता था? 40,000-45,000 हले भी मौजूदा मेरा 45,000 बिल लेकर मैं आना है। अगू इन्होंने 357,266 पा के 4,00,000 उत्ते बिल भेजता मैं, हूँ मेरे ना कोई करंट बिल मेरा करते ही नहीं पी अफसर कि मैं बिल तारा अपना तो बच्चे की रोटी कमाव। मुझे यहाँ पर बताएं खुली कचहरी में आपने ये केस रखा है? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी बिल तारो मैं कुछ नहीं कर सकता था। ये खुली कचहरी जो लगाते हैं आप इनसे ये पूछें, ये बिल से खुद डालते हैं एक्सेक्स रीडिंग ये खुद करते हैं, ये दो नंबर तरीके ये खुद बताते हैं, खुली कचहरी ये लगाते हैं, इनका तो कोई हक नहीं बनता, ये मुजरम है ये मुनसब कैसे बन सकते हैं? खुली कचहरी FIA लगाए, खुली कचहरी आला अदलिया लगाए, खुली कचहरी इलाका चेयरमैन लगाए, इलाका MPA MNA लगाए, जो न्यूट्रल आदमी है ये सारे इनके मतहत हैं, ये उनको कैसे पनिशमेंट करेंगे? ये तो उनसे पैसे लेते हैं, ये पैसे ना लेते हों ये इतने आलीशान घरों में रहे, इनका छान बान ठाट इनकी देख लें, ये कैसे इनका तरीकाकार है? गरीब आदमी का तो कपड़े नहीं धुले होते, इनकी काटन पे सिलवट नहीं पड़ती। क्या मसला आपका? सर मैंने पहले ना किराए में रहता था, जूंटे घट पेला था, थोड़ा आंदा सी। पिछले हूँ पिछले 18,000 आया, पिछले मैं नहीं तारिया, उतो किराए भी देना 8,000 रुपया किराया देना, बिल भी आंदा 18,000-8,000 होते 18 x 26-27 मैं नहीं तारा, मैं चलो अगली दफ़ा तार दें, अगली दफ़ा फिर उन्होंने 19,000 पाया, 39,000 किया। अब क्या होगा? हूँ मैंने गया रेलस के पास, रेलस ने कचहरी भी लगती है वहाँ पर आए हैं? नहीं आप नहीं आए, पर रेलस के पास गया, उन्हें कार बनाया, मैंने बंसपुरे भेजा, बंसपुरे उन्हें कहा जी इतने आओ, इतने आया मैं 3 दिन हो जल्द दे गया, अज उन्हें क्या ही ले जाना, अज गया ताला लगा, फिर कहते जी कल आयो, हूँ दिहाड़ी या मजदूर बंदा फेरी करता हूँ गली गली, मैं कैसे रोज चक्कर लगाऊँ दिहाड़ी तोड़ के। देखें 4,000 की आप बिजली अगर सर्व करते हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो 8,000 रुपया टैक्स डाल के आपका बिल आता है, 4,000 ऊपर टैक्सेस है। ये खुली कचहरियां ये मजाक है, ये हमारे मुंह पर थूका जा रहा है, हमें जलील किया जा रहा है, हमें बिस्त किया जा रहा है, हमें हमारी औकात बताई जा रही है। अभी जैसे भाई ने कहा कि बाहर के ममालिक में जब आप फॉर एग्जाम्पल ज्यादा यूनिट सर्व करेंगे तो बिल कम आएगा, जब आप कम सर्व करेंगे बिल ज्यादा। देखिए आप सबसे पहले ये देखें कि एक गाड़ी जो स्टार्ट होती है, एक गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो तेल ज़्यादा लेती है, जब वो चलने लग पड़ती है तो वो तेल कम होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि जब आप इसको कोई बिजली यूज़ होती है, कम यूनिट जो होते हैं उनमें वो टैक्सेस वगैरह वही पड़ते हैं, तो जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वही टैक्सेस होते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? और यार मैं देखकर परेशान हूँ, 600 फलाना टैक्स, 6,000 फलाना टैक्स, 3,000 फलाना टैक्स। जी मेरी बहन क्या मसला? बात ये है भाई कि मैं बेवा हूँ, मेरा एक बेटा है, 13,000 सैलरी ले रहा है, ठीक है, ये कि मैं बैंक का ना कि अस्करी बैंक में बेशक पता दरोगे वाले में, ठीक है भाई, उस दिन वायरिंग जली है, मेरी गलती है, ठीक है, वायरिंग जली, जाहिर कोई ना को हाल तो अकेली औरत निकालेगी ना, मैंने मैकेनिक बुलाया, उसने बाहर से मेन तारे लगा के अंदर सिर्फ थोड़ा सा काम किया है, हाँ जी सिर्फ 10 मिनट भी नहीं लगे, तो ये इसने आके उतवार दी, इसने कहा नहीं अब ये 2,00,000 रुपया बेल है, मैं क्या करूँगी, अब मैं किराए पे रह रही हूँ, मैं नहीं दे सकती। वो तो बड़े कोऑपरेटिव हैं, क्यों नहीं ये तावन किया गया? ये जो नीचे कमरा है उन्होंने कहा जी हम आपको 40% करके देंगे। अच्छा। वो बेवा हो रहा था, वो 40% कहाँ से जमा कराएगी? 40% में 93,300 रुपया कर दिया, 93,300 में वो कहाँ से करवाएगी? 13,000 रुपया उसका बेटा सैलरी ले रहा है और रेंट पे मैं वो खुद लोगों के घरों के काम कर रही है, वो 93,000 रुपया कहाँ से जमा करवाएगी? अच्छा इसमें मैं एक जुमला कहना चाहूँगा, ये बिल दिखाएं इधर, ये इन्होंने कर दिया ना जो करना है, ये इन्होंने कर दिया। मैं इस बहन को ये कहूँगा ये बिल पे ना करे, ये लेकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाए, उसको बोले ये मैं कहाँ से दूँ, मुझे बताओ क्या मैं खुदकशी करूँ, जहर खाऊं, इज्जत बेचूं, आप लिख कर दो मुझे मैं क्या करूं। और अगर वो बोलता है ये मेरा काम नहीं है तो उसको ये औरत बोले, ये मेरी बहन उसको बोले, जब से तुमने अपना काम करना छोड़ दिया तब से हम जलील हो। क्या मसला है?
मसला ये कि जी पिछले 6 माह पहले मैंने डिमांड नोटिस जमा करवाया था, बिल 6 माह से मीटर लग चुका है लेकिन अभी तक बिल नहीं भेज रहे। सिर्फ किस इंतज़ार में है कि इनके यूनिट बढ़ें और हम इनको जो है पैसे ज़्यादा चार्ज इनसे करें। अभी तक इनका बिल नहीं, 6 महीने से बिल नहीं दे रहे हमें भेज रहे, और 10 चक्कर मैं लगा चुका हूँ। अब मुझे कह रहे हैं कि जी आप फलां दफ्तर चले जाएँ, फलां ऑफिस चले जाएँ, फलां ऑफिस, ये तरीका नहीं है ये इनका ना। आपको खुली कचहरी में मेरे ख्याल से जाने की, खुली कचहरी लगती है वहाँ पर आएँ? मुझे पता नहीं कहाँ पर लगती है, हमें कोई पता हो हमें कोई बताया तो हम वहाँ पर जाएँ। अभी आप किसके पास आए? अभी ये पीछे जो है मैडम बैठी यहाँ पे, उन्होंने मुझे आगे रिकमेंड कर दिया कि जी आप फलां दफ्तर चले जाएं, वहाँ से 6 महीने से बिल नहीं भेज रहे, सिर्फ जानबूझ के कि इनके यूनिट्स बढ़ेंगे और हम इनको बिल भेजेंगे। ये आर ओ साहब का ऑफिस है और लाइनें यहाँ पर लगी हैं, बात भी करेंगे। क्या मसला है आपका जी? हमने बिल की डेट एक्सटेंड करवानी थी तो उसी के लिए आए हुए हैं आर ओ साहब से साइन करवाने के लिए। आर ओ साहब तावन कर रहे हैं आपके साथ? अभी तो हम अंदर गए नहीं, अभी बाहर ही गए। चले 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 चले, बेहतर हो गया जी, बहुत अच्छी बात है अगर वो काम कर रहे हैं। माँ जी क्या क्या लग बेटे, एक मेरा बच्चा कमाना, सरकार एक फ्रिज है, 2 पखे ने, इस तो अलावा कोई चीज़ नहीं है, एक बल्ब बल्द है। बिल सानू इन्होंने देखो जी किन्ना कल दिता वे, 1 महीने का 40,621 रुपये। अभी आप किसी के पास आई हैं? हाँ, क्या कह अभी बात हुई कि नहीं हुई? अभी नहीं हुई। चलें वो करेंगे, आरो साहब बड़े नाइस बंदे हैं, वो तावन करेंगे, ज़रूर करेंगे आपके साथ।